गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन यूज़ कैसे करते हैं अपने वीडियो में। तो जैसे कि मैं यहाँ अपना वीडियो स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ, इसमें मेरा लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ये ऑटोमेटिक ये बताएगा कि आपको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना है। तो ये जो ग्रीन स्क्रीन है, ये जो प्रोफाइल है, इसे अपने वीडियो पर ऊपर ऐड कैसे करते हैं और ये आपको कहाँ मिलेगा। तो जैसे मैं अपना यहाँ वीडियो स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन यहां पे प्रेस किया गया है। तो ये वीडियो ऐड कैसे करते हैं, ये जो छोटा सा वीडियो है, ये अपने वीडियो के ऊपर ऐड कैसे करते हैं, यही चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं बैक, और बैक जाने के बाद वो मैं बताऊँगा कि आप कैसे अपने यहाँ पर फ़ोटो चिपका सकते हो और चैनल का नाम लिख सकते हो, उसके बाद ये वीडियो अपने वीडियो के ऊपर चिपका सकते हो। तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको बैक यहाँ से। अब यहाँ से क्या करना है कि वो जो वीडियो है, उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ से उस पर चिपकाना है अपने चैनल का लोगो और चैनल का नाम। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ चलता हूँ क्रिएट न्यू पर, और यहाँ से 16:9 का यहाँ से चूज कर लेना है प्रोफाइल, और यहाँ से चले जाना है। उसके बाद जहाँ भी आपका वो वीडियो रहेगा, वो वीडियो यहाँ से सिंपल क्या करना है कि ले लेना है। तो जो वीडियो मैं आपको दूंगा ना डिस्क्रिप्शन में, जो मैं आपको वीडियो दूंगा, वो वीडियो कुछ इस तरीके का रहेगा, बिल्कुल एकदम खाली रहेगा, अपने चैनल का यहाँ लोगो चिपका सकते हो। तो गाइस, जो वीडियो मैं आपको दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो कुछ इस तरीके का रहेगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना चैनल का लोगो चिपकाना रहता है, उसके बाद नीचे नाम लिखना रहता है। तो क्या करना है कि ये इसी तरीके का वीडियो रहेगा, और यही वीडियो पे अपना लोगो और चैनल का नाम लिखकर और जो वीडियो आप बनाते हो उस वीडियो पे चिपकाया जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ आपको लोगो और चैनल का नाम लिखकर दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ से सिंबल क्या करना है कि लेयर पर जाना है, और लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है, और मीडिया में जाने के बाद यहाँ से जहाँ भी आपका चैनल का लोगो कट करके रखे रहोगे वहाँ पर चले जाना है। तो मैंने पिक्चर में रखा है, तो पिक्चर में जाता हूँ, और ये यहाँ से मेरे चैनल का लोगो है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से सिंबल क्या करना है कि लोगो पर क्लिक करना है, इसे यहाँ पे लाना है और इसे छोटा कर देना है। मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया है, और भी छोटा करना है, देख लेना है कहाँ तक ये फिट बैठ रहा है। तो बिल्कुल आप यहाँ देख रहे हो मेरा फिट बैठ चुका है, तो यहाँ से ओके कर देना है, और फिर से लोगो पर क्लिक करना है और इसे लंबा करके अंत तक छोड़ देना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि चैनल का नाम लिखना है नीचे। तो यहाँ से लेयर में जाना है और टेक्स्ट में चले जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद जो भी आपका चैनल का नाम है, यहाँ से चैनल का नाम लिख देना है, TECH टेक RAJNISH टेक रजनीश, और यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ से क्या करना है कि इसे बड़ा कर देना है, और वाइट होने के कारण इसका कलर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से राइट साइड में सबसे ऊपर जो आप यहाँ देख रहे हो कैची का ऑप्शन है, कैची के बगल में कलर का ऑप्शन है, तो कलर में चले जाना है, और यहाँ से जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। मैं यहाँ से ब्लैक रखूँगा, तो ब्लैक पर चले जाना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ से आपका चैनल का नाम दिखाई देगा, तो जितना भी बड़ा या छोटा रखना चाहते हो रख सकते हो, और यहाँ से इसे बड़ा कर देना है, जितना भी आपका वीडियो है उतना बड़ा करके, और यहाँ से ओके कर देना है। तो ओके हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है कि इसका आवाज़ थोड़ा बढ़ा देना है, आवाज़ सिंपल वही रहने देना है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहाँ से राइट साइड में सबसे ऊपर जो एरो का ऑप्शन देख रहे हो, तो एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से हाई क्वालिटी पे कर देना है, और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये वीडियो आपके फ़ोन में एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो वीडियो जो मेन वीडियो है, उस वीडियो के ऊपर ये वीडियो कैसे चिपकाते हैं, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन वाला। तो यहाँ से फिर क्या करना है कि बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद जो भी आपका मेन वीडियो है, जैसे कि मेन वीडियो मेरा ये है, तो मेन वीडियो पर मैं अपना चला जाता हूँ। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, जो भी है इसे मैंने डिलीट कर दिया, जो भी है जितना भी है इसे मैं डिलीट करके फिर से इस पर ऐड करके आपको दिखाता हूँ। हो गया, अब मैं यहाँ से ऐड करके दिखाता हूँ। तो सिंबल क्या करना है कि लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद यहाँ से मीडिया में जाना है, और मीडिया में जाने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाना है, जो आप बना कर रखे रहे हुए काइंड मास्टर में ग्रीन स्क्रीन वाला जो लोगो चिपका के रखोगे या नाम लिखकर, वो यहाँ से एक्सपोर्ट में ही जाता है। तो एक्सपोर्ट में जाना है, और यहाँ से जो मैंने बनाया है ग्रीन स्क्रीन, उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से क्या करना है कि ये तो पूरा फेस चिपका लिया है, फेस पूरा कवर कर लिया है,
तो यहाँ से क्या करना है कि आपको यहाँ से नीचे की ओर जाना है, क्रोमा की पे जाना है और यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल में जाने के बाद इसे ओके कर देना है। उसके बाद फिर से क्या करना है कि उसे वीडियो पर क्लिक करना है जो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन वाला बटन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे छोटा कर देना है और यहाँ से नीचे की ओर छोड़ देना है, ले आकर यहाँ नीचे की ओर छोड़ देना है। हालांकि इससे भी आप छोटा कर सकते हो, जितना बड़ा और छोटा करना चाहो कर सकते हो, और इतना करके यहाँ से नीचे की ओर छोड़ देना है, फिर ओके कर देना है। अब इसका अगर आप चाहते हो कि डुप्लीकेट करके और आगे ले जाएं, हालांकि ये बड़ा नहीं होता है, तो इसको आप अगर डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है और लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर जो थ्री डॉट का लाइन है तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से डुप्लीकेट पे चले जाना है। जैसे ही आप डुप्लीकेट पे करोगे ये दो ठो ग्रीन स्क्रीन बन जाएगा। फिर यहाँ से ओके करना है और इस वीडियो पर क्लिक करे रहना है और यहाँ से खींच देना है, तो जहाँ आप छोड़ना चाहोगे वहाँ ये हो जाएगा। अब मैं आपको वीडियो फिर से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो, इस वीडियो को मैं फिर से आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखो, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का प्रेस यहाँ पे कर रहा है, तो ये चीज़ आपको पब्लिक को बताता है कि ये कैसे आपको करना है, मतलब कि लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो ये आपको पब्लिक के दिमाग में बैठाता है और वो पब्लिक आपका चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो ये चीज़ आपको कैसे ऐड करना है, और वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना ग्रीन स्क्रीन का जो वीडियो है, और उसमें जाकर काइन मास्टर में एडिट कर लेना और आप भी अपने वीडियो पर चिपका सकते हो ये चीज़। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा।